बंदे ने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा बेटा हुआ तो 2 तोले सोना दाता दरबार पे खैरात करूँगा। तो ये शिर्क है। अब दाता दरबार पे खैरात ना करो, वो 2 तोले सोना किसी मदरसे को दे दो, दीन के मदरसे में जाके दाखिल कर दो जहाँ दीन पढ़ाया जाता हो। दाता दरबार पे क्या होगा, वहाँ तो बैठे हुए हैं मुजावर खाने के लिए माशाल्लाह। आपको शायद पता ना हो, एक दफ़ा अल्लाह माफ़ करे, हज़रत अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे कोई पुलिस अफसर मजबूत आ गया, उसे छापा मारा तो नीचे से मुनशियात, चर्स, कोकीन, हफीम और गैर औरतें पकड़ी गई, वो जो मुजावर इस्तेमाल फरमाते थे या बेचते थे। और दूसरी बात है कि ये भी याद, हजरत अली हिजवेरी की यहाँ कदर ही नहीं है, ऐसे अल्लाह ने उनको तो महबूद रखा है, तुम खाम खा टकरे मार रहे हो। यहाँ कबर नहीं है, हज़रत अली हिजवेरी की कबर है आपके यहाँ बाग है ना शालीमार, उसकी दीवार के नीचे। यहाँ बैठ के हजरत इबादत करते थे, यहाँ कबर नहीं है आपकी, अल्लाह ने उनकी कबर को महफूज रखा। उनने सारी ज़िंदगी तौहीद बयान की है तो अल्लाह ने उनके मरने के बाद भी उनकी कबर को शिर्क से महफूज रखा। आप टकरे मारते रहे, वहाँ हजरत की कबर ही नहीं है। जो मर्जी है, ये तो सोने के दरवाजे लगाए हुए हैं कि काबे का दरवाज़ा है तो फिर दाता का भी, दाता तो अल्लाह को कहते हैं, किसी बंदे को दाता कहना तो शिर्क है। अभी तो यही कुरान पढ़े थे, फला तद्रिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के बराबर किसी को ना कहो कि तू भी दाता और ये भी दाता, वो आसमानों में दाता ये ज़मीन में दाता। ये जो है जी हजरत दाता की नगरी है और ये पीर पटपाक पटन वालों की नगरी है, खुदा की नगरी तो तुम्हारे मुल्क में है ही नहीं ना। 1965 की जब जंग थी ना जी, तो मुझे खुद एक आदमी ने कहा, अच्छा खासा पढ़ लिखा, वो कहने लगा जी कि हिंदू फौज जब कुछ गिरफ्तार हुई तो वो कहते थे कि हम हैरान हैं कि हमारे पैलेट जब ऊपर से बम बरसाते थे तो यहाँ कोई सब्ज कपड़े पहने हुए बुजुर्ग खड़े थे जो पकड़ लेते थे, वो बम फटते ही नहीं थे। अब हम उन बुजुर्गों को ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ हैं। मैंने कहा 1970 में फिर बुजुर्ग नाराज हो गए थे, अरे तो तुम्हारा मुल्क 2 टुकड़े हो गया, पीर सारे नाराज हो गए थे। खुदा का खौफ करो यार, हुजूर को जंगे ओहद में शिकस्त हो गई, दंदान शहीद हो गए, 70 साहबा शहीद हो गए, वहाँ तो किसी ने तलवारें नहीं पकड़नी, तुम्हारे पीरों ने बम पकड़ लिए।